मैं कुछ इंसान हूं, मैंने देखा है तो मेरे जज्बात जो हैं वो थोड़ा वो काबू में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म है, बिल्कुल मासूम निहत्ते, उनके पास कोई असला नहीं है यार, आप उनको गोलियां मार रहे हैं, पाकिस्तान के वो शहरी हैं। गाइज अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखने हैं जो वहां की हिंसा के आ रहे हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे वो नहीं मिलने वाले हैं, आपको ट्विटर पर जाना पड़ेगा, ट्विटर के सेक्शन मतलब आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में देखना पड़ेगा, पाकिस्तान में जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ज्यादातर इसी से रिलेटेड है, और ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी नहीं किए जा सकते, और पाकिस्तान की मीडिया इसे बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया की तरह सोशल मीडिया से ये बाहर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी ने कहर मचाया हुआ, धड़ाधड़ गोलियां और पता नहीं कितने सारे लोग इन्होंने मार दिए हैं। तो पहले जो इस पत्रकार ने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में सुनते हैं, और आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, मैं इनको ज्यादा प्ले भी नहीं कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो देखना है तो प्लीज जाइए ट्विटर पर। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग, हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। फायरिंग का सिलसिला जारी रहा लेकिन अभी थोड़ी देर पहले थमा है, नहीं अभी खाली कराई जा सकी मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन और उसका जो इर्द गिर्द का इलाका है, लबैक के लोग वहां पर डटे हुए हैं, उससे लबैक से जो मस्जिद है उससे एक एक किलोमीटर दूर तक जो है इलाका वो उनके वहां पर उसको रुकावटें लगा दी गई हैं, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। और इस वक्त एक भरपूर ऑपरेशन है, मुख्तलिफ चैनल्स को टेलीफोन कर रहे हैं लबैक के लोग, एम्बुलेंसेस भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं वो फुटेजेस आपको दिखा नहीं सकता, गोलियां लगी हुई हैं, खून बह रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग अपनी जानें वहां पर वो कह रहे हैं कि हम निछावर करने के लिए आए हैं। मैंने एक वीडियो में देखा एक बच्चे ने बहुत सारी गोलियों के खोल जो थे वो उसने उठाए हुए थे और उसने कहा कि ये वो गोलियों के खोल हैं जो नामूस रिसालत के जो दीवाने हैं या जो मुहाफिज हैं उन पर यह गोलियां चलाई गईं सिर्फ एक गैर मुल्की ताकत को खुश करने के लिए। तो उनके साथ में वो कह रहा था कि ये चाहे वो वज़ीर आज़म हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों या कोई और कोई शख्सियत हो, उनके गलों में इस वक्त जो है वो पट्टा मगरब का बंधा हुआ है और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह उनकी इताअत कर रहे हैं। नफरत बहुत है यहाँ पर और गुस्सा बहुत है यहाँ पर, लोग बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है। मैं बड़ी कोशिश की, मैं यहाँ पर बस एक किलोमीटर दूर यहाँ से वो ऑपरेशन हो रहा है, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, कहीं से भी आप नहीं पहुँच सकते, एक एक किलोमीटर तक का जो इलाका है वो उन्होंने बंद किया हुआ है। सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जो इन्फोर्समेंट के दस्ते हैं जिसमें रेंजर्स भी थे, जिसमें एलीट फोर्स भी थी, जिसमें पुलिस वाले भी थे, उनके मैंने देखा कि वो दस्ते जो हैं वो इधर मूव कर रहे थे। और अब सूरत हाल वहाँ पर बताया जा रहा है बड़ी गंभीर है, सूरत हाल ठीक नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तानी मीडिया का इस बात को हाईलाइट करें कि अगर वो 126 दिन इमरान खान भी तो बैठे रहे ना पार्लियामेंट के सामने और मौलाना फजलुर रहमान भी तो वहां पर बैठे रहे कई कितना अरसा, तो किसी ने उनको नहीं उठाया फोर्स से, तो इनको क्यों उठाते हैं इस तरीके से कि आप गोलियां मार रहे हैं बच्चों को, मासूमों को, आप उनको मैं कहता हूं आप उनको शहीद कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं आप उनको। और ये अननेसेसरी ये ताकत के नशे में जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये मीडिया का काम है कि वो इसको हाईलाइट करे। मैं अपील करता हूँ तमाम बड़े बड़े एंकरों से, खुदा के लिए ये दहशतगर्द लोग नहीं है, इनके हाथों में कोई गने नहीं है, ये किसी जगह पर कब्जा नहीं करना चाह रहे, ये पीसफुल लोग थे यकीन करें आप, ये एक साजिश के तहत किया गया कि उनको सीधी गोलियां मार के पहले दिन एहतजाज के उन्हें मुश्तिल किया गया, फिर उनकी वीडियोज बनाई, झूठी वीडियो सच्ची वीडियो सब कुछ इसमें शामिल है, लेकिन अभी इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो किसी जगह पर कब्जा नहीं करने आ रहे थे, वो वहीं पर अपनी जगह पर बैठे थे, बैठे रहते अभी क्या दो चार दिन और भी बैठे रहते तो क्या था, ये जो खाली कराने की कोशिश है खुदा के लिए इसको रोकें, ये बड़ा खून बह जाएगा, ये बहुत मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा ये डिवाइड हो जाएगी इस कौम में,
ये वो बच्चे जो हैं वो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, वो काला काला या रसूल अल्लाह पुकार रहे हैं। हम लोग कोई वो नहीं है, यानी अगर वो दहशतगर्द होते, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ इंसान हूं, मैंने देखा है, तो मेरे जज्बात जो हैं वो थोड़ा वो काबू में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म है, बिल्कुल मासूम निहत्ते, उनके पास कोई असला नहीं है यार, आप उनको गोलियां मार रहे हैं, पाकिस्तान के वो शहरी हैं, क्या हो गया जो वो बैठे हैं वहां पर, नहीं करें ऐसा, बिल्कुल ना करें ऐसा, ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है ये। अगर कोई सामने से ग्रुप होता जिसके पास असला होता वो आप पर फायरिंग करता तो हम कहते वो तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बैठे हैं वहां पर। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था, बाकी हर बंदे का अपना जमीर है, मैं हुकूमत से ये कहता हूं कि वो ये कार्रवाई बंद कर दें, मैं उनसे भी कहता हूं लबैक से भी कि खुदा के लिए कुछ सूरत निकालें, ये खून ना नहीं बहना चाहिए, कोई सूरत निकाल लें, कोई दरमियानी सूरत निकाल लें, ये खून नहीं बहना चाहिए। मैं हुकूमत से कहता हूं, मैं अकाबरीन से कहता हूं, वज़ीर आज़म साहब आप तो आशिक रसूल नंगे पाँव मदीने गए, अब जो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, आपने वादा किया उनसे। गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान की फौज किस तरीके से बिहेव कर रही है पाकिस्तानी प्रोटेस्टर के सामने, और इस पत्रकार ने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आपको वो वीडियो नहीं मिलेंगे, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं जिसमें प्रोटेस्टर के बीच जो कुछ भी हो रहा है और पाकिस्तान फौज के द्वारा, वो आपको मिलेंगे ट्विटर पर। सोशल यूट्यूब पर वैसे वीडियो अपलोड नहीं किए जा सकते कि आप किसी को गोली मार रहे हैं, किसी पर टैंक चढ़ा रहे हैं, किसी पर एसिडिक वाटर डाल रहे हैं, तो इस तरीके के वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। गाइज आपको बता दूँ, वो वहाँ तक वो लोग, ऐसा बोला जा रहा है कि वो रोजे पर बैठे थे और उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियाँ बरसाई गई हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो ट्रीट कर रही है, मतलब मुसलमान मुसलमान को ही इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता तो डेफिनेटली ये लोग यूनाइटेड नेशन तक में चले जाते, ये वो जवाने भर का बोलते, लेकिन आप देख सकते हो सिचुएशन कैसी है। और ऐसा ही कुछ अगर इंडियन आर्मी करती कश्मीरियों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये लोग आज नंगा नाच कर देते, आपको भी पता है। तो दोस्तों इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से बाहर निकल चुके हैं ये लोग, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, इस तरीके के वीडियो हैं। तो ये लोग जो मतलब आपको भी पता है, फ्रांस के अगर राजदूत को ये लोग निकाल देते हैं तो इनके साथ क्या होगा, सारा यूरोपियन यूनियन के जो मतलब जितने भी देश हैं सारे लोग निकल जाएंगे, पाकिस्तान की तो वैसे भी बैंड बजनी है। तो पाकिस्तान तो दोनों तरफ से फंसा हुआ है कि पाकिस्तान करे तो करे क्या। तो पाकिस्तान की ये जो मतलब गवर्नमेंट है, इसने पूरी तरह से मिसमैनेज कर दी है सिचुएशन को। और ये प्रोटेस्टर, मतलब अब इन प्रोटेस्टर को ये मुझे लग रहा है उग्र रूप ना अपना लें। आपको भी पता है पाकिस्तान में बम और हथियार कितने आसानी से लोगों के घर में रहते हैं। अगर पाकिस्तान T20 एक बार वर्ल्ड कप जीती थी तो शाहिद अफरीदी के घर से बहुत सारे लोग AK-47 चलाने लगे थे खुशी मनाने के लिए। तो अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या होने वाली है पाकिस्तान की। ये न्यूज़ पूरी तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्लैकआउट कर दी है, और ये आज चीज़ें सामने आ रही हैं, ये पिछले 3-4 दिन से हो रही हैं। सोशल मीडिया आज वहाँ से अनबैन हुआ है, मतलब सोशल मीडिया भी वहाँ पर बैन था। तो दोस्तों सिचुएशन तो बहुत ख़राब है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, शायद ही इसके कोई वीडियो मिले। अगर आपको इसके मतलब पूरे तरीके से सिचुएशन को समझना है तो आपको ट्विटर पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पर लोकेशन चेंज करें, पाकिस्तान का ट्रेंडिंग सेक्शन देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो मेरी बकवास नहीं सुनना चाहते जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, तो गाइज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मैं पहले ही आपको वार्निंग देता हूँ कि आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, आप अपना स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, तो स्किप करें। YouTube की मजबूरियों को समझें, मैं इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ऊपर से आप मुझे ही बोल रहे हैं। तो गाइस रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अगर आप मेरी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरा पार्ट छोड़ दें, उसे स्किप कर दें। आपको आपके पास ऑप्शन है YouTube में, अगर वो भी आपसे नहीं बनता तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं।